सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमी कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दी लिटरेचर लेसन 5th, जलियांवाला बाग में बसंत। यह कविता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे, तब उन्होंने कविता लिखी थी। उन शहीदों को नमन किया है जो इसमें शहीद हो गए थे। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि बसंत से प्रार्थना करी है कि बसंत तो आता है, हर साल आता है, तो उन्होंने बसंत से प्रार्थना करी है कि आप धीरे से आना। यहाँ कोकिला नहीं, काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते। कलियाँ भी हद खिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। वो कह रहे हैं ये यहाँ पे कोयल नहीं है जो मधुर स्वर में गाएगी, यहाँ तो कौए हैं जो शोर मचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो भौरे हैं वो हमें भ्रम में उपजा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अधखिली कलियाँ हैं, कांटे हैं, फूल और पुष्प भी झुलसे हुए हैं। यानी कि ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो उनके शव पड़े हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे काले काले कीट के समान पतंगे उड़ रहे हों। परमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ये सुगंधहीन है ये जगह, ये ऐसा हो गया है जहाँ पहले कभी खुशबू भी होती हुआ करती थी, यहाँ पे सुगंध बहा करती थी इस बाग में, आजकल यहाँ पे सुगंध के नाम पे कुछ भी नहीं है, एक दाग सा पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ ये बाग यहाँ पे हत्याकांड हुआ था तो ये खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, वो बसंत से कह रहे हैं कि हे बसंत तुम धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। ये शोक स्थान है क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों की बलि हो गई है, तो यहाँ ये शोक स्थान है, तो यहाँ पर आकर आप शोर नहीं मचाना, धीरे से आना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, तुक्की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। वो कह रहे हवा चले लेकिन उसकी चाल धीरे धीरे से हो, क्योंकि यहाँ पे जो दुख की आहें पड़ी हुई हैं उनको उड़ा के मत ले जाना। कोकिला गावे किंतु राग रोने को का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। कवित्री कह रही है कि यहाँ पर जो कोयल है जो इतने मधुर स्वर में गाती है वो भी यहाँ पर रोने का अलाप कर रही है, रो रो के अपने राग को गा रही है और भौरे भी अपनी कष्ट को सुना रहे हैं। लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद उससे कुछ कुछ गीले, किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। वो कह रहे हैं अपने साथ थोड़े से फूल ले आना जो थोड़े से सुगंधित हों, उसमें कुछ गीले से हों, क्योंकि यहाँ पर उनकी स्मृति में यहाँ पर हम थोड़े से बिखरा जाना। बसंत से ये प्रार्थना कर रही हैं। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो कोमल बालक हैं, छोटे छोटे बालक हैं, वो भी यहाँ पे गोली खाकर मरे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी उनके लिए भी कलियाँ यहाँ पर गिरा जाना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। यहाँ पे हमारे हृदय कितने छिन्न भिन्न हो गए हैं और बहुत से लोग अपने परिवार से अपने देश से अलग हो गए हैं। कुछ कलियाँ अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। वो बसंत से कह रहे हैं यहाँ पे जो वृद्ध लोग तड़प तड़प के मरे हैं गोली खाकर, उन पे भी थोड़ी सी कुछ अधखिली कलियाँ उन पे भी चढ़ा जाना।
कुछ फूल उन पे भी, कुछ सूखे फूल उन पे भी चढ़ा देना। सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, है अशोक स्थान यहाँ शोर मचाना। वो कह रहे हैं हे बसंत, आप तो हर साल आते हो, आप आना लेकिन धीरे से आना। यहाँ पर ये अशोक स्थान है, यहाँ पे आकर शोर नहीं मचाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों के शव पड़े हुए थे और इसलिए ये अशोक स्थान का कह रही है कवित्री। तो इस चैप्टर का मैंने आपको अर्थ बता दिया है, आप इसका शब्दार्थ अपनी कॉपी में करिएगा। ओके स्टूडेंट्स।